अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ। आज मैं बनाऊंगी कुछ मीठा और मीठे में बनाऊंगी इस कदर सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का इतनी मज़ेदार सेवियाँ कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त ये कैसे बन जाती हैं और इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और चाय के साथ तो आप ये 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये हैं जी इसके तमाम इन्ग्रीडियंट्स। ये हैं जी सादी सी सेवियों का मैंने एक पैकेट लिया है, जिसका नॉर्मली हम शीर खुरमा बनाते हैं एक पैकेट। एक कप भरकर दूध, एक कप ही भरकर चीनी का, और थोड़े से बादाम जो मैंने बारीक काट लिए हैं, और दो इलायची, और हाफ कप मैं लूँगी इसमें घी का। तो सबसे पहले तो हमने ना सेवियों को ना पैकेट के अंदर ही यूँ चूड़मुड़ कर लेना, यानी कि तोड़ लेना है, क्रश कर लेना है, ताकि छोटे छोटे से पीस हो जाएं। इस तरह ये होगा, पकाने में भी आसान होंगी, खाने में भी आसान होंगी, और आप भी एक प्लेट में रख कर ही इसको क्रश करें, क्योंकि अगर पैकेट फट जाए तो सेवियाँ जो हैं वो वेस्ट ना हो, प्लेट में ही रहें। इनको क्रश अच्छी तरह से करके छोटे छोटे पीस कर लें। अब मैंने डाल दिया है एक बर्तन में आधा कप घी। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे देसी घी में ही मज़ेदार बनती हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी दो इलायचियाँ, जो कि मैंने खोल के ना उनमें से दाने निकाल लिए हैं, ताकि ये अच्छे से इनका फ्लेवर जो है वो घी में ऐड हो जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इलायची फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सेवियाँ जो कि क्रश की थी। और इसको घी में डालने के बाद आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से इनको रोस्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि छोटी छोटी सी ये सेवियाँ बारीक सी होती हैं, जितनी जल्दी पकती हैं ना तो जलने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो आपने इनको जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ना आपने आहिस्ता आहिस्ता से इनको रोस्ट करते जाना है। और जैसे जैसे आप रोस्ट करते जाएंगे ना, इनका कलर चेंज होता जाएगा, बड़ा लाइट गोल्डन सा इनका कलर हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बस इनको रोस्ट करते जाएं और इनको स्टर करते जाएं और अलट पलट अच्छी तरह से इनको करते जाएं, और ताकि हर जगह से तमाम सेवियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएं। फ्राई होने के बाद इनका कलर गोल्डन हो जाएगा। बस ये ज़रा तहम्मुल से करने वाला काम है इसमें, कि आपने ना बस इसकी जो है ना जो फ्राई करनी है ना सेवियाँ, उसमें थोड़ा सा ना आपने वो ध्यान से करना है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट करते जाना है। ये रेसिपी है एक्चुअली मेरी भाभी जान की, और मेरे बच्चे फरमाइश पे बनवाते हैं अपनी मामी से ये वाली सेवियाँ, तो मैंने सोचा उनसे रेसिपी सीख लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बड़ी मज़ेदार तैयार होती हैं। सेवियों का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, मैंने इसमें ऐड कर दी है एक कप चीनी, और मैं इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करती जाऊंगी। फ्लेम अभी भी बिल्कुल लो है, आपने फ्लेम हाई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, और मैं इनको रोस्ट करती जाऊंगी। चीनी जो है वो मेल्ट होती जाएगी और थोड़ी सी कैरामलाइज होती जाएगी, और यही जो है इसका मेन पॉइंट है कि एक तो सेवियाँ अच्छे से फ्राई हों, दूसरा चीनी हल्की से कैरामलाइज हो, और जलने ना आपने इसमें एक कप दूध ऐड कर देना है। और दूध अगर जल्दी से ड्राई हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, आप आधा कप दूध और ऐड कर दें। मैंने भी इसमें आधा कप दूध जो है वो और ऐड किया, क्योंकि इसी दूध में ये पक जाएंगी और इसी दूध में मैं इनको दम पर रख दूँगी। देखें दूध मुझे लगता है जल्दी ड्राई हो गया है, कोई टेंशन नहीं, आधा कप दूध का और ऐड कर दें। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, और जब दूध बॉईल होगा तो मैं इसको लो फ्लेम पर ही दम में रख दूंगी। अब थोड़ा सा दूध जो है वो बॉईल हो रहा है, मैं इसको 10 मिनट के दम पे रखूंगी, और 10 मिनट के बाद ये चेक करें वो क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त मज़ेदार। और ये चेक करें खड़ी खड़ी सी लदा लदा सी सेवियाँ जो हैं तैयार हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम जो मैंने काट कर रखे थे, और इनको थोड़ा सा मिक्स करके मैं डिश में निकाल लूँगी। तो जी गर्मा गर्म रेसिपी हमारी तैयार है सेवियों की। बड़ी सिंपल सी सेवियाँ हैं जो कि इतने डिफरेंट तरीके से तैयार होती हैं और इतनी मज़ेदार बनती हैं, आपने भी इनको ज़रूर ट्राई करना है। और खाते पीते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।